व्हाट्स अप गाइस एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, जिस एप्लीकेशन से आपके फ़ोन की डिस्प्ले में चार चांद लग जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे इस एप्लीकेशन से आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले के नीचे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कूल और अच्छा लगता है आपके फ़ोन की डिस्प्ले में देखने को। जैसे कि आपको साइट पे भी मेरी फ़ोन की डिस्प्ले दिख रही होगी, यहाँ पे नीचे आपको मेरा नाम दिख रहा होगा और ये नाम टाइम टाइम पे ब्लिंक करते रहता है। आप इसमें अलग अलग तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है यार। जब मैंने इसको यूज़ किया और देखा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एप्लीकेशन को देख के, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने फ़ोन की डिस्प्ले में अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, सेम इसी तरह से जैसे कि मैंने किया है। तो उसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले में, वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप तो किस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपने फ़ोन के डिस्प्ले में आप ऐसे अपना नाम लिख सकते हैं। तो उसके लिए चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले में। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट न्यू बार। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर दीजिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको वहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। या आपसे कुछ परमिशन मांगे, आप उनको अलाउ कर दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी ये अलाउ कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा है, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। तो देखिए उसके बाद आप पहला जो यहाँ पे आ रहा है ये फोटो का आ रहा है। अगर आप नीचे यहाँ पे अपना फोटो लगाना चाहते हो तो फोटो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे खाली टेक्स्ट लिखना है तो मैं आपको अभी टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। तो हमें इसको एक बार ऐसे स्लाइड स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको हम ऑन कर लेते हैं, जो पहले ऑफ था। तो नीचे यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ रहा है, लेकिन ये धीरे से जा रहा है, फिर धीरे से आएगा, फिर धीरे जाएगा, फिर धीरे आएगा। तो इस तरह ये ब्लिंक करते रहेगा। और यहीं पे देखिए इसमें आप अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट नोट पे जाइए। अब यहाँ पे इसमें जो भी मेंशन करेंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे शो होगा। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बारी। तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया और ये मैंने ऐड कर दिया। तो देखिए अब इसके बाद हम नीचे वाले को यहाँ से हटा देते हैं और मेरा चैनल का नाम यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो देख सकते हैं ये मेरा चैनल का नाम है और मैं यहाँ से बैक आ चुका हूँ क्लोज, और ये आया मैं बैक। अब देखिए एक बार मैं इसको ऑफ करता हूँ और फिर इसके बाद ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे चैनल का नाम आ रहा है और इसके नीचे आप इसका एनिमेशन इफेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आएगा। जैसे कि मैंने पहले भी फ्लैश कर रखा था, आप इसको पुश भी कर सकते हैं और भी अलग अलग तरीके इसमें इफेक्ट हैं। ज़्यादा इफेक्ट के लिए आपको इसका प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ इफेक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में यूज़ के लिए मिल रहे हैं। तो इन इफेक्ट में से आप किसी भी एक इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी नॉर्मली फ्लैश रखा है, तो इसको मैं इसके बाद बैक कर देता हूँ। और यहीं पे आप इसकी एनिमेशन स्पीड, जो ये फ्लैश कर रहा है उसकी स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से करेगा। तो ये मैंने कम कर दिया, तो ये स्लोली स्लोली अब आप यहाँ पे ब्लर हो जाएगा, स्लोली स्लोली फिर एकदम डार्क होने लग जाएगा। तो मैं इसकी स्पीड ज़्यादा करता हूँ तो ये थोड़ा स्पीड से होता है। और वहाँ पर ये देखिए इसका साइज है कि आप इसको कितना हाइट करना चाहते हैं, कितना वो करना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये उसके हिसाब से है। और वहीं पे नीचे इसका कलर है, लेकिन कलर यूज़ करने के लिए अगर आप इसमें रेड पिंक किसी और कलर में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका प्रो वर्जन आपको यूज़ करना होगा। और ये नीचे इसका टेक्स्ट का साइज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसका टेक्स्ट कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना छोटा करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से अपना टेक्स्ट भी यहाँ पे उसका साइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको देखिए आप इसको लेफ्ट राइट या जहाँ पे भी इसको सेंटर में आप रखना चाहते हैं, जैसे कि अगर लेफ्ट में चाहते हैं लेफ्ट में, और वहीं पर अगर आप राइट में चाहते हैं तो राइट में। तो मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ, तो ये सेंटर में। और ये यहाँ पे है कि अगर आप इसको नीचे और ऊपर कहीं भी स्क्रॉल करना चाहते हैं तो आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में कर रखा है। तो कुछ इतने तीन चार फीचर है इसमें अगर आप टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। और भी इसमें बहुत सारे फीचर है, जैसे कि आप नीचे इसमें बैटरी का भी इनेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइड पे आपको बैटरी का दिख रहा होगा हल्का, अगर आप इसको बटन में करेंगे तो बटन में भी हो जाएगा नीचे कोने पे, अगर आप टॉप में करेंगे तो ऊपर टॉप साइड में। तो मैं इसको फिल करता हूँ, तो मैंने फुल कर दिया। आप इसका कलर भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कि अभी बैटरी कितनी है। तो मेरे इसमें बहुत कम बैटरी है, तो अभी यहाँ पे देखिए रेड हो गया। अगर ये फुल बैटरी होगी तो लास्ट तक ये पूरा रेड हो जाएगा। आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे फीचर हैं। आप इसका टेक्स्ट साइज छोटा बड़ा ये सब कुछ इसमें कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको नॉर्मल टेक्स्ट के बारे में बताना था, तो मैंने टेक्स्ट के बारे में आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं और किस तरह से आपका होगा। नीचे मैं इसको बैक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मेरा यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये ब्लिंक कर रहा है। देखिए आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और ये बहुत ही कूल लगता भी आपके स्मार्टफोन में। तो जैसे कि आपने देखा मैंने अपनी मोबाइल की डिस्प्ले में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें एंड उसके साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलता हूं मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।